गर्लफ्रेंड और है सपना, उसको क्या करके देखो, वो उठा लेगी। मैंने कहा करते क्या हो तुम? बोला सर ट्रिनिटी में हूँ, मैं सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा ये तो यही का इंसान हो सकता है, इतना टैलेंटेड, यू नो, इतना कॉन्फिडेंट। बट सीरियसली मुझे स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यूँ लक्कड़ की नौका बना दी कप्तान साहब ने, अब जहाज चल रहा है, जहाज चल रहा है, जहाज के सबसे आगे हमारे लॉन्डर जैक खड़ा है। अब पानी जा रहा, पूरा पूरा पानी चल रहा है, जैक के साथ खड़ी हमारी लॉन्डिया छपरिया। जैक कह रहा छपरिया हाथ चौरा ले, छपरिया कह रही मैं ना चौरा रहे, मेरी बगल के बाल बढ़ रहे हैं, अभी सब देख लेंगे। राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में स्थित ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के दो दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव अनुगूंज 2024 का शानदार आयोजन किया गया। इस मौके पर मशहूर आरजे नावेद विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। साथ ही ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर आर के टंडन की भी कार्यक्रम में सहभागिता रही। वहीं तमाम अन्य गणमान्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। अनुगूंज के माध्यम से 20 से अधिक कॉलेजों के 2000 से अधिक छात्र छात्राओं ने तमाम तरह के इवेंट्स में भाग लिया, जिनमें डांस, म्यूजिक, ड्रामा, फाइन आर्ट, स्टैंड अप कॉमेडी, बैटल ऑफ बैंड्स जैसी कैटेगरीज में छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा। अनुगूंज के माध्यम से मिस्टर एंड मिसेज अनुगूंज की उपाधि से दो प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि रहे आरजे नावेद एवं ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर आर के टंडन ने भी अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में गया हूं, लेकिन एक बात मैं बिल्कुल यकीन से कह सकता हूं, स्टूडेंट्स में तो जोश होता ही है, यहां की फैकल्टी मेंबर्स में जितना जोश है। और मिस्टर टंडन, जब मेरा फर्स्ट इंप्रेशन पड़ा था उनसे मिलके, तो मुझे ऐसा लगा था जब यहाँ के चलाने वाले ऐसे इंस्टीट्यूट के, तो चलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे होंगे। बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा काइंड हैं यहाँ के लोग। सो आई एम सो हैप्पी। अनुगूंज जाने के बाद ये फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है हर साल आना पड़ेगा और इस फेस्टिवल को इतना बड़ा बना दे कि हिंदुस्तान के हर कोने तक ये गूंज जाए और टैलेंट दिखे। ट्रिनिटी द्वारका, कमाल इस चीज़ का है कि मैं द्वारका वैसे कम आता हूँ, लेकिन द्वारका आने की कोई वजह नहीं हुआ करती थी मेरे पास, अब एक वजह हो गई है और वो है ट्रिनिटी द्वारका। और सिर्फ मेरी नहीं, स्टूडेंट्स की, क्योंकि एक एजुकेशन के दायरे में इतने अच्छे लोग जो चलाने वाले हैं, तो स्टूडेंट को मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं वो मुझ जैसे लग रहे हैं, यू नो, उनमें कोई दिखावा नहीं है, उनमें कोई ऐसी बात नहीं है, सब सच्चे अच्छे और मेहनती स्टूडेंट्स हैं। तो जितने भी ट्रिनिटी में हैं स्टूडेंट्स और जो आना चाहते हैं, ऑल द बेस्ट, और यहाँ आके सर से, एजुकेशन से जितना फ़ायदा उठा सकें उठाएँ। देखिए, जो आज हम जिस फेस्ट में हैं, ये अनुगूंज का प्रीलिम्स है जो जोन 4 के माध्यम से कंडक्ट हो रहा है। आईपी यूनिवर्सिटी ने हमें इस साल चांस दिया कि हम प्रीलिम्स जोन 4 को कंडक्ट करें। दो दिन का ये फेस्ट यहाँ रहा। टोटल हमारे पास एलोकेशन थी 25 कॉलेजेस की, उसमें से 18 बाहर के कॉलेजेस ने पार्टिसिपेशन किया 9 और 10 अक्टूबर को, और 19वां इंस्टीट्यूट जो है वो ट्रिनिटी था। तो टोटल मैं कह सकता हूँ कि 19 जो है कॉलेजेस जो आईपी यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं, उन्होंने इस फेस्ट में जो है पार्टिसिपेट किया, डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, जिसमें आपकी करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो थी उन सब का समन्वय इस फेस्ट में रहा। चाहे वो आपने अभी देखा बैटल ऑफ बैंड हो, या आगे डांस परफॉर्मेंस हो, सोलो सिंगिंग हो, लिटरेरी एक्टिविटी हो जिसमें डिबेट, डेक्लमेशन, एक्सटेम्पोर, कैलीग्राफी, रंगोली, क्ले मॉडलिंग, बहुत सारे इवेंट्स में हजारों बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया दो दिन। और मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी टीम है ट्रिनिटी की, उन्होंने बहुत खूबसूरती से इसको अंजाम दिया, और कोऑर्डिनेटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, HODs, फैकल्टी मेंबर सभी लगे इसमें आयोजन हम कर पाए। और सोने पे सुहागा रहा, जो हमारे साथ हमारे सेलिब्रिटी खड़े हैं नवेद जी, ये आए, इन्होंने स्टूडेंट्स को आशीर्वाद दिया और बहुत अच्छी बातें इन्होंने स्टूडेंट्स को बताई, और अपने हुनर से उन सब स्टूडेंट्स जो आए हुए उन्हें गुदगुदाया भी, हंसाया भी, और अपने साथ रिलेट किया।
एक बात जो उन्होंने बहुत खूबसूरत कही कि जो आप हैं और जो आपकी ओरिजिनलिटी है और जो आपके अंदर हुनर है उसको आप आगे लेकर जाएं, उसको मरने ना दें, उसको आगे बढ़ाएं। और मैं भी ये इन्हीं की बात को आज एक्सटेंड करता हूँ और इन्हीं की बात को आगे रखता हुआ कह सकता हूँ कि हो सकता है क्लासरूम में जो फर्स्ट आता हो और यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आता हो वो आज यहाँ ना बैठा हो, बैठा हो तो बहुत पीछे बैठा हो, और हो सकता है आज उसके लिए तालियां ना बज रही हो, आज उसके लिए तालियां बज रही हो जो बैटल ऑफ बैंड में अच्छा है। तो हम जो अब नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं उसमें ये बात है कि जो जिस सब्जेक्ट में या जिस एक्टिविटी में, जिस वोकेशनल प्रोग्राम में अपने आप को लेके चलना चाहता है उसमें आगे लेके जाए, कोई बंधा हुआ सिलेबस उसके ऊपर अब नहीं लादा जाएगा कि भाई उसमें ही एक्सीलेंस लाओगे तो वही पैरामीटर है आपके अव्वलता का या आपके श्रेष्ठ होने का। अब श्रेष्ठ होने के पैरामीटर्स बदल गए हैं, अब श्रेष्ठ होने के पैरामीटर्स हैं कि कोई प्रोग्रामिंग में अच्छा है, कोई अपना कल्चरल में अच्छा है, या कोई अपने किसी और हुनर में अच्छा है और वो आगे आके अपने आप को और अच्छा करें, साबित करें, सोसाइटी में एस्टेब्लिश करें। सिर्फ डिग्री और करिकुलम के बेसिस पे अब श्रेष्ठता के जो मापदंड हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। एक्चुअली एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा था टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट बहुत सारे ऐसे टाइम आए जहाँ मैंने खुद को डाउट करा काफ़ी ज़्यादा। मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही थी, मैं 3-4 बार गिरी भी, बट आई वॉज ओनली थिंकिंग के यू नो दिस विल पे ऑफ, ये तुझे वापस ज़रूर मिलेगा। एंड टुडे आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज विद दिस क्राउन ऑन माई हेड, इट वॉज सो ब्यूटिफुल फॉर मी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं इस इवेंट का विनर हूँ। बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें इस इवेंट में, इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस। आई वुड लाइक टू थैंक आर टीचर्स, HODs एंड ऑल द कॉलेज फैकल्टीज़ जिन्होंने हमें सपोर्ट करा, इस इवेंट को अच्छा करा, एंड ऑल द कोऑर्डिनेटर्स, जितने भी स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं उन सबका मैं थैंक यू करना चाहूँगा। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट राउंड में हमने रैंप वॉक करा, देन इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हमने अपना टैलेंट दिखाया, तो उसके बेसिस पे हमें जज किया गया। इट वॉज अ गुड डे, थैंक यू। जाहिर है कि अनुगूँ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से छात्र छात्राएं पढ़ाई के अलावा विभिन्न विधाओं में भी अपनी प्रतिभाओं को निखार रहे हैं, जो कि उनके आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत ही बेहतर है। ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली NCR के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।